नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हुडिनी की। तो अगर आपने मेरे चैनल पर नोटिस किया होगा तो काफी टाइम से हुडिनी के लिए कमिंग सून लिखा हुआ था, तो ये वीडियो ऑफिशियली हुडिनी के लिए होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू हुडिनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो व्हाट इज हुडिनी सॉफ्टवेयर एंड फॉर व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, सीधा सा सवाल कि हुडिनी क्यों है, कि वो इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा सवाल कि व्हाट इज प्रोसीजरलिज्म। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता ही होगा कि हुडिनी किस लिए यूज किया जाता है। प्रोसीजरलिज्म कभी ना कभी सामने आया होगा कि हुडिनी इज अ प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर, तो इसको हम समझने वाले हैं। और अगर आपने ये भी सर्च किया है कि हुडिनी व्हाई हुडिनी इज अ प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज प्रोसीजरलिज्म इन हुडिनी, तो आपके सामने ये भी आया ही होगा व्हाट आर हुडिनी ऑप्स, बेसिकली शॉप, ड्रॉप, डॉप एटसेट्रा। एंड उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाई टू लर्न हुडिनी एंड वेयर टू स्टार्ट लर्निंग हुडिनी। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 5 क्वेश्चंस के ऊपर जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, वेयर व्हाट इज हुडिनी सॉफ्टवेयर एंड फॉर व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। तो इस चीज के लिए हम चलते हैं सीधा सीधा हुडिनी की वेबसाइट पे। तो आप गूगल पे हुडिनी सर्च करोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स की वेबसाइट मिल जाएगी जो कि हुडिनी को ऑन करता है। साइड इफेक्ट्स कंपनी हुडिनी का एक सॉरी साइड इफेक्ट्स कंपनी हुडिनी को ऑन करता है और हुडिनी साइड इफेक्ट्स का एक प्रोडक्ट है। तो बेसिकली हुडिनी यूज होता है मूवीज के अंदर, टीवी सीरीज के अंदर, गेम्स के अंदर और इवन एड्स के अंदर इफेक्ट्स बनाने के लिए। इफेक्ट्स से हमारा मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि मूवी के अंदर कोई एक गाड़ी फट गई, कोई बाढ़ आ गई या बारिश आ गई या फिर आग लग रही है या फिर ऐसा कुछ भी जो कि रियल में करना मुश्किल है या फिर बहुत कॉस्टली है, तो उसको हम 3D में बना सकते हैं। और वो जो हम बनाते हैं 3D में किसी भी नेचुरल फिनोमेनन को, तो वो हुडिनी के अंदर ही किया जाता है आज के टाइम पे 99.99%। 1-2% आई थिंक कोई पुराना ही स्टूडियो करता होगा आज के टाइम पे, बट आज के टाइम पे हुडिनी के अंदर ही ऑलमोस्ट सब कुछ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एफेक्ट्स। तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हुडिनी के अंदर किस तरीके से क्या क्या काम होता है। तो ये सब कुछ आप जो भी देख रहे हो वो हुडिनी के थ्रू ही बनाया गया है, ये हुडिनी का ही आउटपुट है जो भी आप देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ एफेक्ट्स। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि हुडिनी क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कम से कम VFX वर्ड तो सुना ही होगा, तो VFX वर्ड का फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट्स, और विजुअल इफेक्ट्स में जो इफेक्ट्स वाला पार्ट होता है वो हुडिनी के अंदर ही क्रिएट किया जाता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज प्रोसीजरलिज्म। तो आपको ये क्वेश्चन भी अभी तक टकरा ही गया होगा कि अगर आपने हुडिनी सर्च किया है कि हुडिनी एक प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है, अनलाइक माया मैक्स। माया और मैक्स में प्रोसीजरलिज्म नहीं होता है बट हुडिनी के अंदर होता है। लेकिन प्रोसीजरलिज्म का मतलब ही क्या है, एक बार वो समझ लेते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं कि हमको एक इफेक्ट बनाना है माया के अंदर और सेम इफेक्ट बनाना है हुडिनी के अंदर, तो होगा क्या। मान लेते हैं हमको एक फाउंटेन बनाना है और फाउंटेन का जो ज्योमेट्री है वो हमको मॉडलिंग डिपार्टमेंट से मिला हुआ है। ओके, तो इस माउंट फाउंटेन वाली ज्योमेट्री से हमको एक एफएक्स में फाउंटेन बनवाना है। तो इस तरह भी हमको सेम ज्योमेट्री फाउंटेन बनाने के लिए मिला हुआ है। तो अभी होगा क्या, मैं माया के अंदर इसको लेके आऊंगा, तो माया में मेरे को इस ज्योमेट्री के ऊपर डायरेक्ट एडिट करना पड़ेगा चीजों को। ओके, तो डायरेक्ट एडिट करने का मतलब है मैं छेड़खानी कर रहा हूं इस करंट ज्योमेट्री के साथ जो कि मेरे पास अभी है, फिलहाल है। ओके, और प्रोडक्शन के अंदर ज्योमेट्री या फिर जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडलिंग डिपार्टमेंट देखता है, तो इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये आपको पिछले डिपार्टमेंट से मिलने ही वाला है, तो आपको इसी के ऊपर काम करना है। तो आपने माया में माया के लॉजिक्स लगाए, माया की चीजें यूज करी और लास्ट में जाके एक फाउंटेन हमने बना दिया, ठीक है, इस ज्योमेट्री के ऊपर कि हमने भाई यहाँ पे डिटेक्शन ले लिया कि यहाँ से वो फाउंटेन निकलेगा और यहाँ से सोर्स लेके फाउंटेन बना दिया, इस पूरी चीज को कोलिजन बना दिया
पानी भर दिया एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बट ये हो गया डायरेक्ट एडिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट एडिट, ठीक है। बट हुडिनी के अंदर होता क्या है, हुडिनी के अंदर हम इस ज्योमेट्री पे तो काम करेंगे, दैट इज नो डाउट, ज्योमेट्री यही यूज होने वाली है एज एन इनपुट, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं करेंगे जो हमने माया में किया है, हम यहाँ पे काम करेंगे मेथड्स के ऊपर कि किस मेथड से इस ज्योमेट्री से एक फाउंटेन बन जाए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं मेथड, ठीक है, हम यहां मेथड्स बनाएंगे और उस मेथड के थ्रू हमको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट यही होगा कि इस ज्योमेट्री से हमारा एक फाउंटेन बन रहा है। अब लेकिन इसमें प्रोसीजरलिज्म कहां पे आया, क्योंकि आउटपुट तो दोनों से सेम आया है। अब प्रोसीजरलिज्म आएगा यहां पे, मान लो हमने ये चीज क्लाइंट को दिखाई, क्लाइंट ने बोला भाई सब कुछ ठीक है लेकिन ये ज्योमेट्री है जो तुम ये ज्योमेट्री यूज कर रहे हो मेरे को उसका डिजाइन पसंद नहीं आया, तो मॉडलिंग डिपार्टमेंट में ये वापिस से गया और अपने को एक नया ही कुछ तो आड़ा तिरछा फाउंटेन मिल गया, मान लेते हैं एक नया फाउंटेन हमारे पास और अलग शेप का आ गया। अब इसके ऊपर तो हमारा कुछ कंट्रोल है नहीं, हमको वापिस से फाउंटेन से फाउंटेन तो निकालना है, तो ये करने के लिए हमको वापस से इस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा, वापस से ज्योमेट्री एडिट करनी पड़ेगी, फंक्शंस लगाने पड़ेंगे, जो भी माया की चीजें हैं वो करनी पड़ेगी और एक नया का नया नई ज्योमेट्री वाला फाउंटेन हमको मिलेगा। लेकिन अगर ये सेम चीज हुडिनी के अंदर होती है, हुडिनी के साथ होती है, सेम चीज क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट ने मॉडल चेंज करा दिया मॉडलिंग में, मॉडलिंग डिपार्टमेंट ने बोला लो जी नया मॉडल आया है आपको चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे काम किया है मेथड्स के ऊपर, तो हमको ये मैनुअल वर्क द्वारा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस इनपुट को बोलेंगे भैया तू हो जा साइड, नया जो ज्योमेट्री आया है उसको एज अ इनपुट दे देंगे और वो सेम ही चीज में रन हो जाएगा, आपको दोबारा कुछ नहीं करना और आपको सेम ही चीज पे नए मॉडल के साथ आउटपुट मिल जाएगा। तो आपका जो ये मैनुअल वर्क था सारा, जो आपको बार 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 करना पड़ता था आपका मॉडल चेंज होने पे या फिर कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस पे, तो वो हुडिनी के अंदर नहीं करना होता, बट बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमको करना पड़ता है। तो इसी चीज को बोलते हैं प्रोसीजरलिज्म, कि वो इतना प्रोसीजरल है कि वो ये सब कुछ हैंडल कर सकता है कि जो जो इसमें चेंजेस आए हैं। ओके, तो ये मेथड्स क्या हैं अभी हम समझेंगे आगे। तो ये तो हमारा हो गया प्रोसीजरलिज्म। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप हुडिनी आपने सर्च ही किया है तो आपके सामने प्रोसीजरलिज्म के बाद हुडिनी के ऑप्स भी आए होंगे सामने, कि भाई ये हुडिनी में सॉप्स होते हैं, हुडिनी में रॉप्स होते हैं, पॉप्स होते हैं, डॉप्स होते हैं और ऐसा बहुत कुछ होता है। तो असल में ये है क्या, ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर को समझने के लिए एक बार इधर चलते हैं, तो डिस्कॉर्ड का एक सर्वर है तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो इस यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बेसिकली इनका फुल फॉर्म है कि सॉप का फुल फॉर्म क्या है, सरफेस ऑपरेटर, पॉप का फुल फॉर्म है पार्टिकल ऑपरेटर, शॉप का फुल फॉर्म है शेडर ऑपरेटर। तो हर एक चीज ऑप पे खत्म हो रहा है जिसका मतलब है ऑपरेटर। तो ये सरफेस ऑपरेटर ये सरफेस लेवल पे काम करता है, पार्टिकल ऑपरेटर ये पार्टिकल लेवल पे काम करता है विच इज इनसाइड डॉप विच इज डायनेमिक ऑपरेटर, एंड शेडर ऑपरेटर काम करता है अपनी शेडिंग के लिए, कम कॉप विच इज कंपोजिट ऑपरेटर्स जो कि काम करते हैं 2D कंपोजिटिंग के लिए, हुडिनी आप हुडिनी में कंपोजिटिंग भी कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। सो हर एक चीज का उनका फुल फॉर्म है बट इट इज एंड विद ओपी विच इज स्टैंड फॉर ऑपरेटर। तो जो कि मैं आपको भी पहले बता रहा था कि हमारा हुडिनी के अंदर मेथड्स यूज होता है, तो इन मेथड्स को बनाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं तो वो यूज होता है ऑपरेटर। तो हम इन ऑपरेटर को यूज करके एक मेथड बनाते हैं और उस मेथड के थ्रू हुडिनी प्रोसीजरलिज्म अचीव कर पाता है, तो वही है ऑप्स। ओके, और इनको डिटेल में समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हुडिनी के अंदर समझने वाले हैं। तो अभी आगे चलें कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई टू लर्न हुडिनी। तो हुडिनी क्यों लर्न करना चाहिए, तो हुडिनी क्यों लर्न करना चाहिए उसके लिए मैं आपको एक बार दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ।
तो अगर आप यहाँ पे हुडिनी सर्च ढूंढ रहे हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू हुडिनी ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये मान के ही चल रहा हूँ कि आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं अपने करियर को लेकर। तो भाई ओके, ये ऊपर का दिख नहीं रहा है बट कोई नहीं। तो बेसिकली ये फ्लो ग्राफ है फॉर, यहाँ पे दिख रहा है ओके। बेसिकली ये फ्लो ग्राफ है हमारा मूवी का प्रोडक्शन, कि किस तरीके से मूवी का प्रोडक्शन फ्लो करता है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं एक्चुअली, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब होता है प्लानिंग, कि ये अभी प्लानिंग स्टेज में है, अभी सब कुछ प्लान किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या चीज होने वाली है। और पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक्चुअल शूटिंग, तो पोस्ट प्रोडक्शन में ही हमारी एक्चुअल शूटिंग होती है, सॉरी प्रोडक्शन में। और पोस्ट प्रोडक्शन में हमारा शूटिंग के बाद जो भी उसके ऊपर इफेक्ट डालना है, एनिमेशन डालना है, फिर जो भी कुछ भी करना है, वो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन के बाद में आता है। तो इसमें 2D+ 3D चीजें भी होती हैं। तो 3D चीजों को हम बोलते हैं सीजी डिपार्टमेंट। मैं अगर यहाँ आपको दिखाऊं तो स्टेजेस एंड सॉफ्टवेयर इन सीजी पोस्ट प्रोडक्शन, तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं सीजी पोस्ट प्रोडक्शन में। क्योंकि सीजी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सीजी ही हम जिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं वो सीजी डिपार्टमेंट होने वाला है। हम चीज ये कंप्यूटर के थ्रू बनाने वाले हैं, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स। ओके, तो सबसे पहले आता है मॉडलिंग। जैसा मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल में बताया कि जो हमको ये एसेट मिलने वाला है फाउंटेन के लिए, तो ये मॉडलिंग डिपार्टमेंट से आएगा। ये मॉडलिंग डिपार्टमेंट मॉडल करेगा और उसके बाद हमको मिलेगा। ओके, तो मॉडलिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करता है, और वो काम होता है माया और ZBrush, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं। तो मॉडलिंग डिपार्टमेंट माया और ZBrush में काम करता है, और मॉडलिंग डिपार्टमेंट के काम खत्म करते ही रिगिंग और टेक्सचरिंग एंड लुक डेप डिपार्टमेंट का काम चालू हो जाता है। आप ये फ्लो चार्ट में भी देख सकते हो कि मॉडलिंग काम खत्म होती है रिगिंग, और रिगिंग के साथ साथ टेक्सचर एंड लुक डेप में भी सेम काम चालू हो जाता है। तो ये काम भी हमारा माया, सब्सटेंस पेंटर और मारी में होता है। तो माया में हमारा रिगिंग होता है, सब्सटेंस पेंटर और मारी में हमारा टेक्सचर होता है। ओके, और उसके बाद हमारा चालू होता है एनिमेशन। तो मॉडलिंग और रिगिंग के बाद हमारा एनिमेशन चालू हो जाता है। तो एनिमेशन हमारा माया में होता है, जो कि मेन सॉफ्टवेयर है, बट अगर आप गेमिंग के लिए कर रहे हो तो 3ds Max और मोशन बिल्डर भी यूज होता है। ओके, और अगला पार्ट है हमारा एफएक्स। तो एफएक्स के लिए हमारा एक ही सॉफ्टवेयर है, विच इज हुडिनी आज के टाइम पे। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ अगर आप हुडिनी सर्च कर रहे हो तो आप एफएक्स में ही जाना चाहते हो। ओके, तो हमारा अगला डिपार्टमेंट है लाइटिंग का। तो लाइटिंग डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो है माया, हुडिनी, कटाना और क्लेरिस। और जो रेंडर इंजन है वो है हमारी मंत्रा, रेंडर मैन, आर्नोल्ड और वीरे, जो कि लाइटिंग के लिए यूज होते हैं। और हमारा कंपोजिटिंग के लिए, जो कि लास्ट स्टेज है हमारा कंपोजिटिंग, उसके लिए हमारा न्यूक यूज होता है। ओके, तो ये चीजें एक्चुअल मूवी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और इस डिपार्टमेंट में ये चीजें यूज की जाती हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। मॉडलिंग के लिए माया, रिगिंग के लिए माया, टेक्सचरिंग के लिए सबस्टांस पेंटर, एनिमेशन के लिए माया, एफएक्स के लिए हुडिनी, लाइटिंग के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, एंड कंपोजिटिंग के लिए हमारा न्यूक है। ओके, तो आपको हमारा जो क्वेश्चन था कि वाई टू लर्न हुडिनी, तो अगर आपका ये क्लियर है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपको एफएक्स डिपार्टमेंट में आना है तो आपको हुडिनी सीखना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर है जो कि एफएक्स आज के टाइम पे किया जाता है जिसमें। ओके, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर टू स्टार्ट लर्निंग हुडिनी। अब हमने ये तो सीख लिया कि हुडिनी क्या है, प्रोसीजरिज्म क्या है, ऑप्स क्या है और क्यों सीखना चाहिए। अब अगला सवाल है कि कहाँ से सीखना चाहिए। तो कहाँ से सीखना चाहिए का मैं जवाब दूंगा कि आप ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए। ये डिस्कॉर्ड सर्वर का जो गोल है वो है टू कलेक्ट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट हुडिनी इन वन प्लेस। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको, अगर जॉब भी आप ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब्स की पोस्टिंग भी इधर मिल जाएगी, इंडस्ट्री में क्या क्या नया चल रहा है उसके न्यूज आर्टिकल्स आपको इधर मिल जाएंगे, और आर्काइव्स में आपको किन किन लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में अभी नए आए हो, हुडिनी सीखना स्टार्ट किया है, तो इंडस्ट्री के महारथी कौन कौन है, इंडस्ट्री में कौन लोग
एक्चुअल में अभी लीड कर रहे हैं इंडस्ट्री को, तो उनको आप यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। तो रेबल वे इस टाइम पे सबसे बड़ा हुडिनी का ऑनलाइन स्कूल है, जो कि हुडिनी के लिए एफएक्स रिलेटेड क्लासेस देता है। तो आप यहाँ पे जाके इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे काफी सारे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं। और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि एफएक्स वाले लोग हैं इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो कि अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने चैनल्स पे। तो आप जाके इन सब को फॉलो कीजिए, ट्यूटोरियल देखिए और उनको एग्जीक्यूट कीजिए, बनाइए। तो आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, जो कि इस डिस्कॉर्ड सर्वर में है। और ये हिप फाइल का सेक्शन है यहाँ पे, अगर आपका कोई हिप फाइल है, कुछ आपको इश्यू आ रहा है तो वो शेयर कर सकते हैं। और बेसिकली आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, तो बिगनर के लिए मैं बोलूंगा कि दिस इज द बेस्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल से ही मैंने खुद ने स्टार्ट किया है बेसिकली उडनी, ओके, इन एफएक्स। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हैं, और फिर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको आरबीडी में जाना है, पायरो में जाना है, पार्टिकल में जाना है, या पैक्स वॉप के लिए कुछ सीखना है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। तो बेसिकली दिस इज द वन स्टॉप शॉप फॉर हुडिनी। तो आप यहाँ पे जाके हुडिनी से रिलेटेड चीजें एक ही जगह पे पा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट रूम्स भी हैं, हम यहाँ पे डाउट सेशन भी रखते हैं। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि वीक में एक दिन या दो दिन हम डाउट सेशन रख सकते हैं इधर। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस करंटली आई थिंक टू स्टार्ट हुडिनी, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हुडिनी एंड टू ग्रो विद अदर आर्टिस्ट, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे हुडिनी आर्टिस्ट ही हैं। तो आपको किसी ना किसी से मदद मिल ही जाएगी, और सारे के सारे कोई सीख रहा है या फिर कोई काम कर रहा है। अब जो काम कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे स्टूडियो में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टूडियो में काम कर रहे हैं, तो आपको वो लोग इधर मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया कि हुडिनी कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट लर्निंग हुडिनी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ तो हेल्पफुल मिला होगा, और ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इन लिंक्स पे जाके इन चीजों के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ तो इन्फॉर्मेटिव मिला होगा,